कीटो कंफ्यूज है कि भौंकने की आवाज कहां से आ रही है। क्या बा, अभी नहीं जाना है पापा, देख बाहर अंधेरा है पूरा। हे भगवान यार, इसको कोई समझाओ कीटो को। बाहर अंधेरा है और ये मुझे कह रहा है कि चलो 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 चलो, चलते हैं घूमने चलते हैं। अब इतने अंधेरे में कौन गधा जाएगा घूमने के लिए लाटे? बेवकूफ आदमी, सॉरी, अजीब नहीं तो एकदम कार्टून जैसा। ये कौन कौन चिड़िया की तरह एकदम बोलता रहेगा ये? बस अब देखो गुस्सा हो गया, देखा? Hey, why you getting so excited? Huh? Why you getting so excited? वेट कर रहा, कौन वेट कर रहा बाहर? देखो 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 देखो, ओह मिस्टर गोकू, यू आल्सो वेटिंग फॉर मी। ऐसे झटका मत दिया कर यार, झटका मत दिया कर, समझा दे इसको। चल नो नो नो, ये तो है, ये गोकू है। चल जा, वहाँ नहीं आना है, वहाँ चलेंगे हम लोग, पीछे प्लॉट, वहाँ जो खाली प्लॉट होता है वहाँ से रहता है। तो इनको खाली खाली प्लॉट में ले जाना ज़्यादा सही रहता है, बेटर देन इनको रोड में, क्योंकि रोड में जब जाते हैं तो ये कहीं भी यू नो शिट कर देते हैं, एंड जिनके घर के आगे शिट करते हैं, एंड तो वो दीज गाइज शिट ऑन मी दिए। अबे वहाँ बैठेंगे, अबे कम ऑन लेट्स गो। अरे वहाँ चलेंगे, चलो जा पीछे पीछे साइड, आजा आजा। अरे क्या जिद्दी है ये, उधर चलते ना कीटो, सुन उधर चलते, आजा वहाँ सही है, चल जा आजा। ओबे यहाँ चलना है। क्या जिद्दी है यार, कसम से। सो यार आज काफ़ी लंबा सेशन है, मतलब मेरी तो लगने वाली है। और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है यार, ये पागल हो गया ये, और साथ में ये भी महाराज। तो धुआं धुआं कर दिया इसके मुंह से, कितना देखो धुआं धुआं आ रहा है, कर गया। खैर मैं अभी जा रहा हूँ धूप बत्ती लेने, अगर बत्ती धूप वगैरह मांगनी चाहिए था, और साथ में ब्रेड भी ले लेता हूँ, ब्रेड क्योंकि उसमें जैम लगा के मैं स्टूडियो पैक करके ले जाऊँगा, फिर वहीं पर खाऊंगा मैं। यह है रावत जी किचन स्टोर। तो मैं तो ब्रेड वगैरह ले लिया है, ओ बटर आना भूल गया, बटर घर पे होगा शायद, हाँ होगा होगा। अरे वाह वाह, तो चना पूरी बन रहा है, ये अब पूरी कौन सी, बथुए वाली? बथुए की पूरी। ब्रेड इसलिए ले गया, स्टूडियो लेके जाओ ना थोड़ा सा वो करके। अरे ब्रेड मैं इसलिए लेके आ रखा हूँ ताकि मैं इसको स्टूडियो लेके जाऊँ पैक करके, और क्योंकि यार लंबा सेशन है इस वजह से। ये भी आपने सही बोला, तो मैं पूरी भी लेके जाऊंगा, तो पूरी भी लेके जाऊंगा, ब्रेड भी लेके जाऊंगा, दो दो चीज लेके जाऊंगा मैं। यस तो गाइस आज बन रहा है चना। हाँ मैं नहाने की बात भी लूँ, मैं सही रहेगा गर्मा गर्म नहाने की बात, बिकॉज मैं नहाने जा रहा हूँ, अभी बज रहे 7 और 7 बजे अपन नहा लेगा, ठीक है? और एकदम चेक हो जाएगा, और अपनी शक्ल देख ले तू बंदर, ये देख इधर दिखा, ये देख मुंह में सलाइवा पूरा लगा रखा है तूने, इडियट। हाँ एक काम करूँगा, नहीं करूँगा, सुखा रहे? हाँ हाँ बिल्कुल सुखाऊंगा कपड़े, लाओ 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 मैं लेके जाता हूँ इसे, यहीं रख दो। सो राइट नाउ आई एम हैविंग ग्रीन टी एज यूजुअल। बहुत ही अच्छी याद लगी है सुबह सुबह ग्रीन टी पीने की, और गर्म पानी पीने की। इट्स ऑल ग्रेट गोज टू मामी जी, क्योंकि इन्होंने ही आदत चिपका रखी है हमें, और जो कि बहुत सही है, सुबह सुबह गर्म पानी पीना और डेली ग्रीन टी पीना, वो भी इतने मतलब हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ, तो फिर बहुत ही हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो भाई मैं तो यहाँ पर जरा ब्रेड टोस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्टूडियो के लिए पैक करूँगा मैं। कॉफ़ी इसका फिट ना, लेकिन कॉफ़ी है कितने? अरे ये रहा, मिल गया। क्योंकि भाई मैं तो यह कहते जो कॉफ़ी को होता है ना, सीधे कॉफ़ी को मैं वो कर देता हूँ, लाइक सीधे कॉफ़ी निकाला डाल दिया उसमें, फिर चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया, बस हो गया बना दिया।
सिंपल तरीके से, इतना फेंटना पड़ता है तो बड़ा आफत आता है यार। कौन फेंटेगा इतना, ये देखो कट 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 कट। मजा आ गया। बथुए वाली पूरी और चना, मज़ा आ गया कॉम्बिनेशन में। तो इतना यम हो रहा है ना, स्पाइसी चटपटा। आ हा हा हा, टिफिन में डाल दो ना, इसमें डाल दो पूरी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खा लेना नहीं तो खाएगा। हाँ मैं खाऊंगा, पक्का खाऊंगा। अरे वाह, तो चलो फिर चलते हैं स्टूडियो, करते हैं अपना काम आज का। हे मिस्टर गोकू, आर यू फाइन? ये धूप सेक रहा है, चल गेट खोलता हूँ, तू बाहर धूप सेकेगा वहाँ पे, लेकिन अपना पैर बचा के रखना तू, ठीक है? गुड, गो वहाँ से एक धूप। हाँ ए इंटरसेप्टर रानी, डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत दूर लेके जाने वाला हूँ इस ट्रिप में, मस्त, बहुत ही जल्दी, एक दो हफ्ते के अंदर अंदर। यहाँ आ गए जय भाई, उनका टैटू बनेगा आज। तो रेडी हो आप? उससे पहले बर्गर खा रहे हैं ये अर्थात भाई, बिग बॉस की आवाज़। भोजन लीजिए, भोजन लीजिए। मैं नहीं खा रहा, मैं तो ब्रेकफास्ट करके आ रखा हूँ, और वैसे भी मैं पूरी और चने लेके आ रखा हूँ, तो दिन में खाएंगे फिर, आपको भी खिलाएंगे एक दो पूरी चने के साथ। तो सेटअप ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है, और इनका जो डिज़ाइन है वो ये है। अभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको कि कौन सा डिज़ाइन है ये, बट बनेगा तभी पता चलेगा। ये है अपना फ्यूचर। तो नहीं, तो ये बनाया था हमने कुछ टाइम पहले, मतलब इसे कितने महीने हो गए? हो गया यार, बहुत टाइम हो गया, इसे बहुत टाइम हो गया है। तो अब हमें जो नेक्स्ट सेशन है वो ये वाला है, तो यानी हाफ स्लीप इनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फुल्ली कलरफुल। तेरी चेयर आ गई भाई, जा मजे कर, बैठ, अब झूला झूलना है इसमें बेचारा, उसमें इसके दिल दर्द हो जाती है ना, तो इसलिए लेके आया मैं इसके लिए चेयर। जय भाई आ जाओ, वाइट करना है, वाइट इज डैम पेनफुल। पेन इज फॉर बिचेस। तो भाई जय भाई ने तो अपना टैटू इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया है, बस कल इतना ही बना है, वरना आज पूरा हाफ स्लीव कवर हो जाता, बट उन्होंने कहा कि नहीं आज के लिए इतना ही कर दो, तो जो नेक्स्ट टाइम होगा तो ये इतना एरिया कवर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और फ्रंट पोर्शन एंड बैक पोर्शन ये वाला, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये फुल ऑफ कलर्स जो यूज़ किया है, एक्चुअली ये फूड डॉग है, ये बहुत पेन हो रहा था आपको, चीखें निकल गई थी आपकी। अरे मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा था, खा लिए। अभी कंप्लीट करते बताओ फिर। अरे मैं यार जॉब है ना, मेरे को लॉगिन करना है, इस वजह से थोड़ा सा। तो इनका वही चल रहा है, वर्क फ्रॉम स्टूडियो चल रहा है अभी तो।
सो गाइस बताइए फिर कमेंट सेक्शन में कि भाई ये फुल ऑफ कलर टैटूज कैसा लगा आपको। ये फूड हो गया एक्चुअली जैपनीज फूड हो गया जो ये कब से चाह रहे थे कि बनवाने के लिए। एक्चुअली इनका फुल स्लीव हैंड चल रहा है तो दो सेशन इनका कंप्लीट हो चुका है। टैटू हो गया कंप्लीट और इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो फिर इन्होंने थोड़ा सा आधा छोड़ ही दिया उसमें, मतलब थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो इन्होंने छोड़ दिया। कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर उस टाइम पर कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये पेन बिल्कुल झेल नहीं पा रहे अभी, बिल्कुल कंडीशन में नहीं है कि उसमें। ऊपर से इनका यू नो ऑफिस भी चल रहा था, पीछे से आवाज़ भी आ रही है तो ये अभी लॉग इन हो रखे हैं। ये अच्छा खासा पेन हुआ, अच्छा खासा, वरना तो आज इनका हाफ स्लीव पूरा कंप्लीट हो चुका था। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे इनका। अरे अरे पांच दीजिए आराम से, पीछे भी है। चलिए भाई अपने टैटू का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे है ना। ओके आप तो नोएडा नोएडा चले जाओगे। यस गुड नाइट, चला दार ब्रो। ओके भाई गुड नाइट। ओके भाई गुड नाइट। माय गुडनेस, अरे क्या फॉग लगा हुआ है। तू मते पारे खेउजिया प्रेमर पतरा घर आ चुका हूँ और काफ़ी टायरिंग था आज का दिन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोरी आप सभी को और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, आपको शुभकामनाएं। एंड अभी यहाँ पर यू नो ये है घुघुती, घुघुती और ये खीर हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही यू नो नए साल का डिश होता है, ये है ना। नया साल शुरू होता है मकर संक्रांति से, मतलब यानी आज से, तो इसलिए ये घुघुती एकदम ये ऐसा टाइप का बनता है। ये आटे का, आटे और गुड़ का बनता है ये, बहुत ही टेस्टी होता है ये सच में, मज़ा आता खाने में। तुम अच्छा बनाया यार आपने तो, ये बहुत टेस्टी हो रहा है सच में। कौन सी चीज़ बुरा बढ़िया। ये कीड़ो कितने मजे से सो रहा है यहाँ पे यार, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ बिकॉज मैं अभी काफ़ी थक चुका हूँ। एंड कल सुबह सुबह हिमानी को लेने जाना, हिमानी एंड पूजा को कल बोलो देहरादून से यहाँ पहुँच रहा होता नहीं, तो वो सुबह कहते कि भैया 6:30 बजे आ जाना लेने के लिए स्टेशन। तो भाई मैं चलता हूँ, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ टैटू का ही था और एंड टैटू ज़रूर बताना, कलरफुल टैटू था पूरा एंड वो पूरा फुल हैंड करवा रहे हैं तो उनका काफ़ी सेशन लगेंगे, अराउंड 3-4 सेशन लगेंगे पूरा फुल स्लीव कराने में। तो दो सेशन कंप्लीट हो चुका है आज का मिला के, तो मज़ा आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा टैटू आपको कैसा लगा। बहुत सारे टैटूज आने वाले हैं, लाइक बहुत ही क्रेजी से टैटूज आने वाले हैं। कुछ कलरफुल्स हैं, कुछ हाइपर रियलिज्म से रिलेटेड हैं। बस यही था आज के ब्लॉग में और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ कल सुबह मुझे बताएं हिमानी लोग को लेने जाना है, वो लोग कल सुबह पहुंच जाएंगे तो कहते हैं भैया 6:30 में आप आ जाना स्टेशन लेने के लिए। तो मैं और आशु भाई जाएंगे और वहीं से हम लोग सीधे शायद नीचे ऊपर साइड जाएंगे, कहीं मैगी पॉइंट वगैरह जाएंगे सुबह। वो ऐसा बोल रहे थे कि मैगी पॉइंट चलेंगे करके, मैंने चलो ठीक है, कल तो उतना ज़्यादा वर्क नहीं है मेरा, बट इट्स गुड। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।